तो PSL में जाने से पहले Red Bull Future आयो वीडियो कंपटीशन के लिए मैं एक वीडियो आइडिया सोच रहा था। 4-5 दिन लगातार सोचने साचने के बाद एक वीडियो आइडिया फाइनली आ गया और इस वक्त आपके सामने मैं और मेरा दोस्त उबैद खालिद चौधरी वो ही वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुर्तों की नई कलेक्शन आ गई आके भाई के पास। पर्पल वेट स्काई ब्लू रेडिश ऑरेंजिश पीचिश ऑरेंजिश। क्या हाल है ब्रो? लला 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 मेरी जान, क्या है तेरा नाम, देखूं मैं तुझको। ये चौधरी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये फिर अपना मुझे क्रिस्टोफर नोलन वाला फीडबैक देंगे। मजा तो आ रहा है, लग रहा है मजा तो आता हुआ लग रहा है। तो आजकल मेरे बचपन के दोस्त उबैद खालिद चौधरी साहब लंदन से काफी सालों बाद कराची आए हुए हैं। तो उबैद भाई जब से पाकिस्तान आए हैं कठिन समस्या में फंसे हुए, इनको बेल्ट चाहिए और इनके पास बेल्ट नहीं है। तो आज हम बेल्ट लेकर रहेंगे। मेरे दिल के दिल के दिल के भी दिल में है तू। आज ये दिन आ गया कि भाई इन साहब से अप्रोक्सीमेटली एक साल बाद मुलाकात हो रही है, वरना एक टाइम था जब लिटरली हम हर दिन हर वक्त साथ होते थे यार। चौधरी साहब आए तो हैं लेकिन बहुत ही करेक्ट टाइम पे आए हैं। जो मुझे वीडियो आइडिया आया वो एक बंदे का काम तो नहीं था, एक पार्टनर की अशद जरूरत है भाई। लेकिन नवीद तुम्हारे और भी तो दोस्त हैं यहाँ पे कराची में, तो उनके साथ क्यों नहीं बना लेते वीडियो? ओके बाली आ रही है, बाली को छोड़ दे, कंसंट्रेट। जब आपके भाई के अंदर वीडियोस का शौक शुरू हुआ था तब चौधरी साहब के अंदर भी कुछ सेम शौक आ गए थे। मतलब मैं और उबैद जब भी मिलते थे तो कभी कोई म्यूजिक वीडियो शूट हो रही है, कभी कोई फिल्म बन रही है, कुछ ना कुछ तो होता ही था भाई। और हमारा ख्वाब एक ना एक दिन किसी वीडियो से इंटरनेशनल फेम लेना है भाई, इंटरनेशनल जाना है। और जब तक ये नहीं होता बनाते रहो वीडियोस, बनाते रहो, बस रुकना नहीं है। मस्त आइडिया। क्या ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे? हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था हमारे अंदर। 500 miles an hour, walk 500 more, just to be the man who would walk 5000 miles before out at you. हम जब भी कोई वीडियो बनाने बैठते थे तो दोनों में से किसी एक के अंदर कोई अजीब सा कीड़ा जागता था और सारी सीरियसनेस तबाह हो जाती थी। कभी तो सीरियसली बैठ के कोई वीडियो बना रहे यार, कभी। खैर अंदर की कीड़े की वजह से हमारी वीडियोस बर्बाद पर बर्बाद होती रहीं, लेकिन हमारे इरादे कभी नहीं टूटे। एक दिन कोई ऐसी वीडियो आएगी जो हमें इंटरनेशनल फेम दिलाएगी, क्योंकि भाई हमें शौक ही इतना है, हम क्या करें। आज भी जब हम मिलते हैं तो ऑल वी कैन टॉक अबाउट इज वीडियोज़।
लिटरली यार मुझे इफेक्ट सीखना है पता है वो बहुत इजी इफेक्ट है लेकिन उसके लिए आपको एक पीस ऑफ इक्विपमेंट चाहिए होता है क्या इफेक्ट होता है इफेक्ट तो ये होता है बल्कि आज हम जितनी वीडियोस की बातें करते हैं हम शायद कभी भी नहीं करते थे ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है जब जिंदगी में दूरी आती है तो महबूब का नाम लबों पे ज्यादा ही आता है ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी शुरू हुई और भाई अब हम दोनों हैं तो यूके में ही लेकिन अलग अलग शहरों में जहाँ पहले रोज एक दूसरे के सर पे सवार होते थे वहाँ भाई अब 4 महीने में एक बार मुलाकात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अब बना लो वीडियोस बना लो What is this life, यार? What is this life? कहाँ थे और कहाँ आ गए हम? आज हम आए हैं यहाँ पे. आज हम आए हैं इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ आए हैं. Zero फर्क पड़ता है. आज हम क्यों आए हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है. हम यहाँ क्यों आए हैं? हम इधर इसलिए आए हैं. एक सेकंड उससे भी फर्क नहीं पड़ता. हमें फर्क पड़ता है इस बात से कि आज हम करने क्या वाले हैं. हम यहाँ फर्क उससे भी नहीं पड़ता. चलो मैं पूरा बता देता हूँ. हो सकता है क्या क्यों किधर सब बताएगा मैं. हम यहाँ आए हैं समंदर की हवा खाने. नहीं सुन ले. सही है. सुन ले भाई नवीद सुन ले मेरी बात गौर से सुन ले. बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना. गौर से सुन ले. अब यूनिवर्सिटी भी खत्म हो गई है और प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है और तू पाकिस्तान में और मैं हूँ यूके में. अब छोड़ दे भाई ये वीडियो शेड्यूल का ख्वाब पूरा नहीं होना. अब छोड़ दे भूल जाए इसको. ये अल्फाज मुझ पे उबैद भाई ने फेंके जब यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद मैं वेकेशंस पे यूके गया. और इनके अल्फाज ज़्यादा गलत नहीं थे. मतलब भाई अब तो वाकई डिफरेंट कंट्रीज़ में ये साहब अब इंश्योरेंस की दुनिया में खो गए हैं. प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो गई है भाई. अब तो बहुत मुश्किल है. अब भूल जाओ. और प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने के बाद वीडियोस बनाने का टाइम किस तरह ही मिल सकता है. अनलेस चौधरी भाई देख माना कि मैं अब पाकिस्तान में हूँ और तू है यूके में. लेकिन भाई एक बाशिंदा भले ही गिर गया हो दूसरा अभी भी मैदान जंग में लड़ रहा है. तू टेंशन ना ले. एक दिन ये ख्वाब पूरा करेंगे. और वैसे भी मतलब अब हम बड़े हो गए हैं सीरियस हो गए हैं मैच्योर हो गए हैं तो अब हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो हम उस कीड़े को साइड पर रखकर बनाएंगे. अब बनेगी असल वीडियो. यस तू बस एक बार पाकिस्तान आ. तू पाकिस्तान आ और तू भाई को याद कर. रेड बुल फ्यूचर आयो हो रहा है और अगर सेलेक्ट हो गए तो लिस्बन पोर्चुगल में वीडियो स्क्रीन करी जाएगी भाई. मतलब ख्वाब पूरा. इंटरनेशनल फेम बेबीज. बस इस बार फुल सीरियस होकर वीडियो बनानी है. फुल सीरियस. इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं निकलने देना चौधरी. कोई मजाक नहीं. कोई किसी को तंग नहीं करेगा इस बार. कोई जोक्स नहीं सुनाएगा. कोई कुछ नहीं हो रहा. बस सीरियस होकर एक बार वीडियो बना डालो. एक क्रेजी वीडियो बना डालो. ओ हो मतलब इस बार तो वीडियो बन गई होगी. मतलब ख्वाब पूरा होने वाला है. दिखाओ भाई दिखाओ क्या वीडियो बनी.
गो। नहीं यार। वन टू थ्री। अब मैं तुझे क्यों दे रहा हूँ, आज क्यों दे रहा हूँ? क्यों नहीं होती है? मैं तो क्यों दे रहा हूँ, सीरियसली? चल। तेरी बारी आने दे, मैं देख तुझे कितने शॉट लगा। चल आ जा आ जा। तेरी कुछ बोल, कुछ हड्डी बात बोल, बड़ा अच्छा। हम चिप पहन के ऐसा बाबू बन जाता है तुम्हारे को, हम क्या बताएं? क्या? फायर करो, फायर करो। सबको मारेंगे, ग्रेनेड ग्रेनेड ग्रेनेड। चलो फिर कभी। तखलिया।